अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? आज हम हिंदी स्वाध्याय पोथी यानी जो हमारी हिंदी की वर्कबुक है उसमें लिखेंगे अपना इकाई नंबर 12। इकाई 12, दुम दुमा गांव के बच्चे कहानी। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डुमडुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बच्चे पानी में तैरना चाहते थे। बच्चे पानी में तैरना चाहते पर कहाँ? मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। एक बड़ा सा गड्ढा क्यों ना खोदे? वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी धोते रहे। बरसात में उस तालाब में पानी भरा, पानी से खेतों की सिंचाई हुई। यहाँ पे जो कोष्टक दिया गया है उसी में सब आंसर्स है, उसमें से सही आंसर चुन के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब दूसरा, भिन्न अर्थ वाले शब्द पर गोला कीजिए। नीर जल जाल पानी। नीर जल पानी, ये सभी का मीनिंग होता है पानी। जाल अलग है। कमान अभाव कमी घाटा, इसमें कमान अलग है। दुखी परेशान व्यक्ति व्याकुल, इसमें व्यक्ति अलग है। प्रार्थना उपाय उपासना विनती, इसमें उपाय अलग है। बारिश वर्षा बाड़ी बरसात, इसमें ये बारी अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए। पहला है, डुमडुमा गांव की समस्या। डुमडुमा गांव की क्या समस्या थी? डुमडुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दूसरा है, पानी की समस्या के कारण बच्चे क्या नहीं कर पाते थे? पानी की समस्या के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। तीसरा है, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। जमीन खोदने के लिए बच्चे क्या-क्या साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े कड़ाई कुड़ाले और तसले लाए। अगला है, पानी कहाँ-कहाँ से मिलता है लिखिए, ये आप खुद लिखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, उचित जोड़े मिलाइए। यहाँ पे अ और ब दिया गया है, मैंने सही आंसर सामने लिख दिए हैं। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, ये कौन बोलता है? बिल्लू। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा। एक बड़ा सा गड्ढा क्यों ना खोदे? रजिया। अब नया प्रश्न है, गुजराती में अनुवाद कीजिए। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાનું છે? બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। પાણી સે ખેતો કી સિંચાઈ હોતી હે, પાણી થી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। બારિશ કે પાણી સે તાલાબ મેં પાણી ભરા, વરસાદના પાણી થી તળાવમાં પાણી ભરાયું। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाळकोए पानी की तंगी दूर करवानो विचार्यू। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाळको रमवाना मैदान में एकठा थया। निम्नलिखित गुजराती शब्दों के आगे उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। यहाँ कोष्टक में दिया है आपको, तगारू, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? तसला। टोपली टोकरी। कोदाड़ी कुडाल। पावड़ो
फावड़ा, कढ़ाई, कढ़ाई। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? 1, पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं। 2, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं। 3, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं। 4, टपकते नल को बदलते नहीं। अगला क्वेश्चन है, पानी का अपव्यय कैसे रोका जा सकता है? 1, जलाशयों पर सूचनाएं लिखना। 2, टपकते नल को बंद करना। 3, पीने योग्य पानी का जरूरत के मुताबिक उपयोग करना। 4, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाना। 4. है, तालाब में पानी भरने से डुमडुमा गांव को क्या फायदा हुआ? ये आपको होमवर्क में लिखना है। तो आज हमने पृष्ठ क्रमांक 26 और 27 कंप्लीट किया है। आपको स्वाध्याय पोथी में और नोटबुक में लिखना है। ओके।